बेन स्टोक्स या सैम करन कौन होगा पंजाब किंग्स में शामिल, किस पर हैं सबसे ज्यादा पंजाब किंग्स की नजरें। आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन में अब लगभग एक महीने का समय ही बचा है, सभी टीमें मिनी ऑक्शन की तैयारियों में लगी हैं। पंजाब किंग्स भी आईपीएल 2023 से पहले इस बार भी बड़े बदलाव करने में लगी है। पहले पंजाब किंग्स ने अपने नए कोचिंग स्टाफ को टीम से जोड़ा है, तो वहीं इसके बाद आईपीएल रिटेंशन लिस्ट में कई बड़े नामों को बाहर करके सबको चौंकाया है, जिसमें कप्तान मयंक अग्रवाल को बाहर करना सबसे बड़ा फैसला था। अब मिनी ऑक्शन में जाने के लिए पंजाब किंग्स के पास लगभग 32 करोड़ का बड़ा बजट है, जिसमें पंजाब किंग्स कई बड़े नामों को टारगेट कर सकती है, जिसमें बेन स्टोक्स, सैम करन और कैमरून ग्रीन जैसे बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी शामिल हैं। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि पंजाब किंग्स की लिस्ट में बेन स्टोक्स हैं या सैम करन। वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पंजाब किंग्स के पास हैदराबाद के बाद सबसे ज्यादा पर्स बचा है, ऐसे में पंजाब किंग्स को मिनी ऑक्शन में हैदराबाद से काफी कड़ी टक्कर मिलने वाली है, इसलिए पंजाब किंग्स की लिस्ट में बेन स्टोक्स की जगह सैम करन सबसे आगे हैं। इसके दो रीजन हैं। सबसे पहला रीजन यह है कि हैदराबाद ने अपने कप्तान को रिलीज कर दिया है, ऐसे में अब खबरें हैं कि हैदराबाद नए कप्तान की तलाश में है और उनकी नजरें बेन स्टोक्स पर हैं। और अगर हैदराबाद कप्तान के रूप में बेन स्टोक्स को देख रही है तो स्टोक्स हैदराबाद टीम का हिस्सा बन सकते हैं, इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। ऐसे में पंजाब किंग्स की नजरें सैम करन पर ज्यादा होंगी। वहीं अब दूसरे रीजन की बात करें जिसके चलते पंजाब किंग्स की लिस्ट में बेन स्टोक्स के ऊपर सैम करन का नाम शामिल है। दोस्तों, पंजाब किंग्स ने ओडेन स्मिथ को रिलीज किया है। आईपीएल 2022 में पंजाब किंग्स के लिए सातवें नंबर पर ऑलराउंडर बल्लेबाज की समस्या रही थी, जहां ओडेन स्मिथ खरे नहीं उतर पाए थे। ऐसे में पंजाब किंग्स सातवें नंबर के लिए सैम करन को टारगेट कर सकती है, क्योंकि बेन स्टोक्स आईपीएल में नंबर 1, 2 और 3 पर खेलते नजर आए हैं। ऐसे में पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए लोअर ऑर्डर के लिए सैम करन ज्यादा प्रभावी खिलाड़ी होंगे। वहीं रबाडा और अर्शदीप के साथ तीसरे तेज गेंदबाज की समस्या भी हल हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, कैमरून ग्रीन भी पंजाब की लिस्ट में शामिल है, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बेन स्टोक्स और सैम करन में से कौन पंजाब किंग्स में शामिल हो सकता है, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।